राजभर साहब क्या घिर गए हैं? खुद को गब्बर कहने वाले मंत्री जी की सरेआम बेइज्जती। आज तक इससे बड़ी बेइज्जती किसी भी नेता की नहीं हुई होगी। मुंह पर वोटर्स ने बोल दिया, नहीं देंगे वोट। अब क्या होगा गब्बर मंत्री का? पियर का चाचा का अब तक का सबसे बड़ा फ्लॉप शो। यूपी की सियासत में एक ऐसे नेता हैं जिनके कई उपनाम हैं। कोई इन्हें गब्बर कहता है, कोई पियर का चाचा, कोई बयान बहादुर, तो कोई इन्हें पलटू राम कहता है। एक नेता के इतने नाम आपने कभी नहीं सुने होंगे। अपने बयानों से सदन के भीतर हो या फिर सड़क पर या जनसभा को या टीवी कैमरे सबके सामने वाहवाही लूटने वाले नेताजी एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल हुआ ये कि अपने बेटे को संसद में पहुंचाने के खातिर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर वोट मांग रहे हैं, अपने मंत्री होने की ताकत दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि पंचायती मंत्री वही है, बता रहे हैं कि हज मंत्रालय उन्हीं के पास है और दिल्ली की सत्ता का समय समय पर धौंस भी दिखा रहे हैं। मगर ये जनता है जनता, गब्बर से डर नहीं रही, बल्कि आजकल चार आदमी भी गब्बर यानी पियर का चाचा को धमका दे रहे हैं, डरा दे रहे हैं और कह दे रहे हैं मुंह पर, हम वोट नहीं देंगे। बाप रे बाप, इतनी बड़ी बेइज्जती गब्बर की हो और पलटू राम शांत रहे, कैसे होगा? कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बोल दिया, अगर वोट देने में दिक्कत है तो रहने दीजिए। मऊ जनपद में वोट मांगते समय ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि साथी हमारा कहने का मकसद है कि हम चाहते हैं आपसे दोस्ती करना चाहते हैं और बेशक भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है, छड़ी पर वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है। जनता क्या बोली, कैसे खामोश हो गए मंत्री जी, पहले वो सुनिए, फिर किस्सा खुद आप समझ जाएंगे। तो साथी हमारा मकसद कहने का ये है, हम चाहते हैं कि हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बेशक हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है, तो छड़ी पर तोड़ देने से कोई दिक्कत नहीं है ना? है, बोलिए। दिक्कत है, कितने लोग? अच्छा, छड़ी है, दिक्कत ना? हाँ सही है, मत दीजिएगा, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुझे जो दिक्कत है साथियों, देखिए, अगर आप अब भी नहीं समझे हैं तो हम बताते हैं। दरअसल हुआ ये कि मऊ जनपद में वोट मांगते वक्त ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि साथी हमारे कहने का मकसद है कि हम चाहते हैं आपसे दोस्ती करना और बेशक भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा समझौता है, हमारा चुनाव चिन्ह छड़ी है, छड़ी पर वोट देने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वोट कितने लोग दोगे? जनता बोली, दिक्कत है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि दिक्कत है तो मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, मुंह पर गब्बर के कोई ऐसा कह सकता है? मंत्री है भाई, कोई प्रोटोकॉल है, कोई इज्जत होती है। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है जो मंत्री जी को खरी खोटी सुननी पड़ रही है। कई बार बेचारे मंत्री जी जनता के गुस्से का शिकार होते आ रहे हैं। फिलहाल आप अपनी राय इस खबर पर दे सकते हैं कि जनता ने जो ओम प्रकाश राजभर के साथ किया, क्या वो करना चाहिए था? क्या एक मंत्री को उसके मुंह पर जनता इस तरीके से तिरस्कार कर सकती है उसका? आखिर नेताओं को क्यों होना पड़ रहा है शिकार? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।